प्यारे भक्तों, आगे बढ़ रहे हम भगवत भगवान जो वांग्मय स्वरूप है, वाणीमय स्वरूप है, उस भगवान के शरणों की ओर। तृतीय सोपान का प्रारंभ होता है, तृतीय स्कंध का प्रारंभ होता है। परीक्षित जी पूछते हैं, मेरे सा उत्तरा सुत शुक मुनि से पूछो, राग यमन यमन कल्याण। उत्तरा सुत शुक मुनि से पूछो, पावन कथा विदुर की कहो, पावन कथा विदुर की कहो, पावन कथा विदुर की कहो। उत्तर सुत शुक मुनि से पूछो, उत्तरा पुत्र महाराज परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, प्रभु भक्त विदुर की उत्तम कथा सुनने के लिए मेरा हृदय उत्सुक है, आप इसे सुनाने की कृपा करें। सुख जी बोलते हैं, सुनहु परीक्षित भक्ति निधान, भक्ति का निधान, भक्ति का भंडार कहा। और सुखदेव जैसे महापुरुष के पास से भक्ति निधान का सर्टिफिकेट जो मिलता है, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। दो दिन में तो देख लिया सुखदेव जी ने कि धन्य है महाराज परीक्षित, धन्य है उसकी उसका ढंग जो है बोलने का, बैठने का, सुनने का, त्याग का, उसका जो भाव है अद्भुत है। सुनहु परीक्षित भक्ति निधान, ऐसे श्रोता जो मिल जाए ना, भक्ति का भंडार जो, तो वक्ता को आनंद आ जाए बोलने का। लेकिन बहुत कम श्रोता ऐसे मिलते, नहीं मिलता ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम। सुनहु परीक्षित भक्ति निधाना, प्रभु को सदा प्रेम वश जाना। हे राजन, परमात्मा हमेशा प्रेम के वश होते, आदि अनादिकाल से देखा जाता है कि जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा सारे नियम तोड़कर भक्त के पास आ जाते हैं। भक्त हृदय हरि, हृदय भक्ता, भक्त के हृदय में हरि होते हैं और हरि के हृदय में भक्त होता है। ये बात कैसी है, अनुभव गम्य प्रेम अव्यक्ता, अनुभव गम्य, अनुभव गम्य ये बात है। आपके अनुभव में जब ये बात आएगी, आप जब भक्ति निधान बनेंगे, आपका पूर्ण रूप से अनकंडीशनल सरेंडर एंड टोटल सरेंडर जब परमात्मा के चरणों में होगा, और तब जब आपको ये परमात्मा का अनुभव होगा, तभी ये बात समझ में आती है। खाली शब्दों से नहीं, जिसे आस्था नहीं है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, जो शास्त्रों पुराणों में मानता नहीं है, ऐसे लोग कहते, ऐसा थोड़ा होता है, तो लोग कहते रहते ये तो सब पागलों की बातें हैं। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, जैसे भी है हम अच्छे हैं, जैसे भी है। मैंने एक शेर में लिखा है, मेरी एक गज़ल में, कि कोई पागल की बात होती है, कोई पागल की बात होती है तो नज़र सबकी इधर होती है, तो नज़र सबकी इधर होती है। अनुभव गम्य प्रेम अव्यक्त, प्रेम अनुभव गम्य है। और मैंने जो बात बताई कि हरि के वश भक्त और भक्त के वश हरि परमात्मा, ये भी अनुभव गम्य बात है। और प्रेम अव्यक्त, पूर्ण रूप से उसे व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं, पूरे पूरे प्रेम को व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं। हाँ, आंखों में अगर दम है, दिल अगर जो साफ है, तो आंख में से पता चल जाता है कि प्रेम है कि नहीं, व्यवहार से पता चल जाता है कि हमारे साथ भक्त का प्रेम, औरों का प्रेम सही है कि नहीं, उसके व्यवहार से, उसके वर्तन से पता चलता है। बाकी प्रेम की लंबी लंबी व्याख्याएं नहीं हो सकती, अव्याख्यायित प्रेम अव्याख्यायित है।
आगे बढ़ते हैं। पांडव दूत भये देव की नंदन, विदुर गृह गए ले निज स्यंदन। पांडव दूत भये देव की नंदन, देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर जाते हैं दुर्योधन को समझाने के लिए। जैसे हनुमान जी गए थे दूत बनकर रावण को समझाने के लिए, यहाँ स्वयं परमात्मा गए पांडवों का दूत बनकर दुर्योधन को समझाने के लिए। विदुर गृह गए ले निज स्यंदन, और अपना रथ लेकर भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर जाते हैं। दोस्तों, क्या राजदूत कोई आ रहा है समाधान की बात लेकर, तो उसके लिए राजदूत के हिसाब से या उसका मोभा जो हो, मर्तबा हो, उसके हिसाब से क्या कृष्ण की व्यवस्था नहीं हो सकती थी? दुर्योधन के राज्य में नहीं हो सकती थी? ऐसा नहीं था। मैंने तो ये सुना है कि दुर्योधन के महल में जो सुख संपत्ति था, इससे 100 गुनी सुख संपत्ति दुशासन के महल में थी, और दुशासन के महल में श्री कृष्ण के लिए एकोमोडेशन फैसिलिटी रखी थी, भगवान को रहने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन नाम ही जिसका दुशासन है, गलत शासन, खराब शासन, जिसका शासन ही खराब है, वहां कृष्ण बोले मैं कैसे जा सकता। भगवान नहीं गए, नहीं गए प्रभु, तो गए कहां? भक्त विदुर के घर, एक साधारण घर था। पति पत्नी प्रेम से रहते थे, प्रेम निमंत्रण, प्रेम ही अर्चन। निमंत्रण भी कोई जरूरत नहीं होती, जहाँ प्रेम होता है ना वहां प्रेम निमंत्रण, प्रेम ही अर्चन, प्रेम ही पूजन, प्रेम ही भोजन, प्रेम ही पूजन, प्रेम ही भोजन, प्रेम निमंत्रण, प्रेम ही अर्चन। भक्त के लिए तो प्रेम ही निमंत्रण, वहाँ कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है, कोई इनविटेशन कार्ड की जरूरत नहीं होती है। आज इनविटेशन कार्ड बड़े लोग छपवाते हैं, प्रेम से किसी को बुला रहे हैं, इसलिए नहीं, दिखावा करने के लिए कि हमारे पास इतना धन है कि हम 500 रुपये का तो एक कार्ड छपाया है हमने, इतने पैसे का कहीं अच्छी अच्छी जगह पर उपयोग करो ना, गरीबों की थोड़ी सहायता कर दो, बीमारों की सहायता कर दो, क्या जरूरत है इतना शो ऑफ की। लेकिन ये चल रहा है समाज में, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप 1000 रुपए का कार्ड छपवाओ भाई, आपके पास पैसे, आपकी मौज, लेकिन आप सात्विक मार्ग पर यूज करते हैं उसका, आपके धन का राजसी मार्ग पर यूज करते हैं कि तामसी मार्ग पर, ये तो आपको ही देखना है, आपकी मति पर निर्भर है। संभव इतना है कि मेरी बात सुनकर शायद थोड़ा मति परिवर्तन हो। प्रेम निमंत्रण, प्रेम ही अर्चन। एक भजन लिखा है मैंने, प्रेम से पड़ गयो पालो हरि हो, प्रेम से पड़ गयो पालो, प्रेम के पाले पढ़ कर प्रभु ने, प्रेम के पाले पढ़ कर प्रभु ने, नियम पलट ही डालो प्रभु को, प्रेम से पढ़ गयो पालो हरि को, प्रेम से पढ़ गयो पालो। प्रेम के कारण नंद के आंगन ठुमुक ठुमुक प्रभु चालो, प्रेम के बस ब्रज की गलियन में गोविंद गेंद उछालो प्रभु को, प्रेम से पड़ गयो पालो। 14 ब्रह्मांड का नायक, 14 ब्रह्मांड को क्षण भर में एक भ्रुकुटी विलास मात्र से पूरा उलट पलट कर दे, ऊपर वो नीचे आ जाए, नीचे वो सब ऊपर चला जाए, इतनी जिसकी क्षमता है। नंद के आंगन वह परमात्मा ठुमुक ठुमुक चलते हैं, और गलियों में, व्रज की गलियन में भगवान गेंद उछालते हैं, खेल रहे हैं। व्रज की रक्षा काज के शरण से गोवर्धन को उठा लो, व्रज की रक्षा करने के लिए भगवान ने पूरा गोवर्धन उठा लिया। प्रेम में पागल थई थई नाचो, मोहन मुरली वालो प्रभु को, प्रेम से
पड़ गयो पालो। पांचाली एरु पार्थ पुकारो, पांचाली एरु पार्थ पुकारो, हमको प्रभु बचालो। चीर पुरोरथ ऋण हम तारो, चीर पुरोरथ ऋण हम तारो, शब्द गीता को पालो, हरि को प्रेम से पढ़ गयो पालो। ध्रुव प्रहलाद ने प्रेम कियो तब हाथ प्रभु ने चालो, गज गणिका ने नाम पुकारो। गणिका को भी भगवान तो तारने के लिए चले गए, गज गणिका ने नाम पुकारो। सुनते ही शाम संभालो, प्रभु को प्रेम से पड़ गयो पालो। प्रेम से एक बिल नी ने कहा था, बैर प्रभु मेरे खालो, झूठे फल श्री राम स्वीकारो। झूठे फल आज धर्म के नाम से छुआछूत की बात कर रहे हैं लोग, परंतु राम के जीवन को देखो। अरे परमात्मा ने अधम का उद्धार किया है, अछूत का स्वीकार किया है, तो क्या आप भगवान से भी बड़े बन गए कि किसी को आप अछूत कह देते हो, किसी को कुछ कह देते हो? थोड़ा सावधान रहना है, थोड़ा समझना है। मैं कहती हूँ व्यक्ति कभी अछूत नहीं होता, विचार अछूत होते हैं। अछूत विचारों से मुक्त हो जाओ। विदुर सुधनवा संत विभीषण अमरीश के दुख टालो, विदुर सुधनवा संत विभीषण अमृत के दुख टालो, प्रेम दीवानी मीरा काविश सुधा करत नंद लालो। प्रेम दीवानी मीरा काविश सुधा करत नंद लालो, प्रेम से पड़ गयो पालो। प्रेम रिझैया मखन चुरैया, प्रेम रिझैया मखन चुरैया, हमरो पाप चुरा लो। मैं क्या कह रही हूँ, मैंने ये भजन लिखा है तो इसमें कहा है कि प्रेम से रिझने वाले हो आप तो प्रभु मैं आपको प्रेम तो बहुत करती हूँ, बचपन से प्रेम किया है आपको, सबसे प्रथम प्रेम तो प्रभु ही है मेरा। जब कुछ समझ नहीं था, नहीं थी, होश नहीं था, 3 साल की थी, तो मैंने पहले राम नाम बोलना सीखा, बाद में और भाषा सीखी, और केवल बोलना नहीं सीखा, अत्यंत मेरी आस्था थी, अत्यंत परमात्मा में आस्था थी। तो प्रेम रिझैया, भगवान तो कहता है कि मैं तो प्रेम से रिझता हूँ, तो प्रेम रिझैया मखन चुरैया हमरो पाप चुरा लो। प्रेम से रिझने वाला, मक्खन को चुराने वाला। हकीकत में अगर भगवान आप चोर है ना, तो मैं तो आपको तभी चोर मानूंगी जब मेरे सारे पापों को तू चुरा ले। प्रेम रिझैया मखन चुरैया हमरो पाप चुरा लो, मोहिनी माधव प्रेम मगन भई, मोहिनी माधव प्रेम मगन भई, कृपा करी अपना लो, कृपा करी अपना लो, प्रभु को प्रेम से पड़ गयो पालो, हरि को प्रेम से पड़ गयो पालो। बात आगे बढ़ती है, भाव बिना भोजन सुख कैसे। कोई आपको भोजन कराए लेकिन उसके मन में भाव नहीं होता है, आपको भूख लगी चलो खा लेते हैं, लेकिन इससे आपके हृदय में आनंद नहीं आएगा। भाव से किसी ने खिलाया नहीं है तो ऐसा अन्न आपको शांति नहीं देगा, हजम नहीं होगा, क्योंकि अन्न के साथ हाथ के वाइब्रेशंस भी जाते हैं। तो दोस्तों भाव बिना भोजन सुख कैसे, बिनु लवण व्यंजन हो जैसे। बिना भाव का भोजन कैसा होता है, जैसे व्यंजन बनाए, अनेक प्रकार की सब्जियां बनाए, लेकिन उस फरसाण बनाए हैं, नमकीन बनाया है, लेकिन उसमें नमक ही ना हो तो लवण, बिनु लवण व्यंजन हो जैसे, नमक बिना के जैसे व्यंजन, वैसे भाव बिना का भोजन। दुशासन के महल में व्यवस्था की गई थी भगवान की, लेकिन दुशासन के भवन से नाराजी, भगवान राजी नहीं हुए। क्यों? सावधान, एम्बेसेडर कहते हैं ना राजदूतों को। तो दोस्तों मैं कहती हूँ
आज के लोकशाही राज्य में भी कई राजदूत है, उसके नीचे की कैटेगरी की बात करें तो सुपरवाइजर होते हैं, जो काम होता है उसे देखने के लिए सरकार की ओर से नियुक्त किया जाता है कि आप जाओ तपास करो, बाद में चेक मिल जाएगा उन लोगों का काम कैसा है। माफ करना बुरा नहीं मानना, मानना चाहिए वैसे तो, शायद बुरा मान लो तो बदल जाओ। सबके लिए नहीं कह रही हूँ, सब ऐसे है ऐसा मेरा आक्षेप नहीं, आक्षेप कर नहीं कर सकते हम सबके ऊपर, लेकिन ये भी हकीकत है कि सरकार की ओर से जो बंदा आता है निरीक्षण करने, कोई काम का सुपरविजन करने के लिए, तो नीचे के लोग, लोकल लोग है, जो लोकल बॉडी है, वे लोग फाइव स्टार होटल में व्यवस्था करते हैं, हर प्रकार की व्यवस्था, खाने पीने की और पीने की भी, इससे आगे भी कुछ व्यवस्थाएं होती है जिसका जिक्र मैं नहीं कर पाऊंगी। और फिर कहते हैं दूसरे दिन कि सर ये सब काम हुआ है, बस आपको धूप में कहाँ सब देखने के आने की जरूरत है, जरा सा आप सिग्नेचर कर दो, और जिसका खाया है, जिसका पिया है, जिसके पास से करप्शन लिया है, तो ऑब्वियसली सिग्नेचर करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं कहती हूँ राजदूतों को, मैं कहती हूँ ऑब्जर्वेटर्स जितने भी है उन लोगों को, मैं कहती हूँ कि सरकार की ओर से जो आप जिस काम की जांच पड़ताल करने को आपको जिम्मेदारी मिली है, उन सबको मैं कहती हूँ दोस्तों, सबको मैं सावधान करती हूँ, क्योंकि एक ने एक दिन तो भांडा फूटता है। करप्शन लेना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब एक दो साल बाकी होता है ना पेंशन के, तब मन में यूं 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 फड़फड़ बोलते, गुजराती में फड़फड़ाहट मन में होती है कि कोई चार्जशीट नहीं लग जाए, कोई कहीं फंस नहीं जाओ, कहीं मेरा नाम नहीं आ जाए, पूरी जिंदगी की नौकरी का पेंशन चला जाएगा या पेंशन नहीं मिलेगा, कोई केस हो जाएगा, मामला खड़ा हो जाएगा, तो बुढ़ापे में क्या करूँगा, जिंदगी भर खाई की खाई, तब तक कभी विचार नहीं किया, और बाद में विचार आते हैं, और कई लोग फंसे भी हैं, परेशान भी है, लेकिन आप जो करेंगे वो ही पाएंगे ना। तो मैं सभी राजदूतों को कहती हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कहती हूँ, जो सुपरविजन करने के लिए आते हैं ऐसी पोस्ट पर जो है, उन सबको मैं कहती हूँ कि सावधान, दुशासन जैसे लोगों के राजमहलों में रहना, उसका खाना पीना, उससे कवर लेना, उससे महंगी गिफ्ट लेना, सब बंद कर दो। आपका पेट भर जाए इतना तो, इतनी तनख्वाह तो गवर्नमेंट देती है, तो फिर क्यों ऊपर का गोल्ड के बिस्किट की अपेक्षा क्यों रखते हो? रोटी से पेट भरता है, सोने के बिस्किट से पेट नहीं भरता। क्या होगा उस संपत्ति का बाद में, क्या पता। इससे बेहतर है कि आपका कर्तव्य आप बजाएंगे तो आपको जो संतोष मिलेगा वे अरबों रुपयों की कटकी बोलते हमारी करप्शन, अरबों रुपये का करप्शन करेंगे ना तो भी आपको वह संतोष नहीं मिलेगा जो आपकी ड्यूटी बजाने का आपको संतोष मिले। खैर दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं, एक गजल याद आ रही है मेरी लिखी हुई, अपनी ही परछाई से खाता है धोखा आदमी, खुद से ही धोखा खा जाता है, खुद की परछाई को देखता है तो डर जाता है कोई 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 मेरे कमरे में आ गया। और दूसरे अर्थ में आप समझ सकते हैं कि जिस खास अपना क्लोज माना था वो धोखा दे देता है कभी कभी। अपनी ही परछाई से खाता है धोखा आदमी, आईने में देखकर क्यों मुस्कुराता आदमी, आईने में देखकर क्यों मुस्कुराता आदमी, अपनी परछाई से खाता है धोखा आदमी, आईने में देखकर मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, आईने में देखकर यहाँ देखने की जरूरत है, अपने चेहरे को, अपनी आंखों को देखकर ये होना चाहिए कि हाँ ये मैं हूँ, कि मेरा कर्तव्य क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या सौंपा गया है
और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। खैर दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ये राजदूतों को सिखाते हैं, सुपरवाइजरों को सिखाते हैं, दुशासन के भवन से राजी, दुशासन के महल में व्यवस्था की थी, लेकिन वहाँ जाने के लिए भगवान राजी नहीं हुए, क्योंकि वहाँ का खाना वाना खाते, वहाँ के सुख भोग का उपयोग करते तो शर्माना पड़ता। राजदूत का काम है सत्य बोलना, साफ साफ कहना अपनी जिम्मेदारी। जो राजदूत नहीं है तो साधारण व्यक्ति भी अगर आप हो तो भी आपका जो कर्तव्य है उसे निभाना, यही आपका धर्म है। दोस्तों दिन भर टेबल के नीचे से पैसे आते रहते हैं और रात को फिर मंदिर जाकर भगवान को कहते हैं प्रभु दया रखना। कैसे रखेंगे भगवान दया, किस मुंह से आप भगवान से कह रहे हैं दया करना, दया किस मुंह से कह रहे? आप तो दया नहीं रखते गरीबों पर, गरीबों की जेब काटने में आप तो कहीं पीछे रहते नहीं, और भगवान को कहते दया करो। क्या भगवान इतना मूर्ख है, इतने मूर्ख है परमात्मा, पता नहीं भगवान को कि तो क्या कर रहा है। छोड़ो दोस्तों विषय की ओर आगे बढ़ रहे हैं, समय कम है। दुशासन के भवन से नाराजी, नहीं गए प्रभु दुशासन के महल में, कहाँ गए? प्रेम विवश प्रभु खाए भाजी। फाइव स्टार होटल किसी पसंद नहीं आती, और वैसे कृष्ण तो कृष्ण है, वो तो अपने हिसाब से रहना चाहिए जहां रहे वहां, लेकिन नहीं। प्रेम विवश प्रभु खाए भाजी, प्रेम के विवश होकर भगवान विदुर के घर भाजी और रोटी खाते हैं। विदुर के घर प्रभु जाते हैं, विदुर जी तो बहुत खुश हो जाते हैं, सुलभा माता तो आधी पागल जैसी हो गई, भगवान अरे क्या करूं क्या ना करूं, इधर उधर घर में दौड़ती है सब व्यवस्था, प्रभु आपके लिए बैठने का अच्छा आसन तो मैं लगा दूं। भगवान बोले कोई चिंता नहीं, धरती पर बैठने में जो मजा है, धरती माँ है, माँ की गोद में बैठने का जो आनंद है, ये आनंद कहीं भी नहीं। माता आप चिंता मत करो ज्यादा। विदुर जी और भगवान कृष्ण दोनों प्रेम से बातें कर रहे हैं। सुलभा माता कहे बनाएंगे क्या? अरे जो भी बनाए तो घर में हो सो। घर में तो कुछ नहीं था, क्योंकि दुर्योधन के भंडार में से विदुर जी कुछ नहीं लेते थे, घर में तो कुछ नहीं था। मंत्री थे हम, मंत्री थे, मंत्रियों सावधान, मंत्री थे, कुछ नहीं लेते थे। विदुर जी कहते ऐसा करो आप भगवान से बातें करो, मैं अभी भाजी लेकर आता हूँ। आप सोचो विदुर जी गंगा तट पर जाते हैं, वहां से भाजी चुनते हैं, समय तो लगेगा ना, भाजी चुनते हैं और लेकर घर आते हैं। मीनवाइल क्या हुआ, भगवान बोले सुलभा माँ मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी माँ, जो है सो दे दो। तो सुलभा को याद आया केले पड़े हैं, तो सुलभा माता प्रेम के वश भगवान को बोलते प्रभु मैं छीलकर देती हूँ, और प्रेम के वश भगवान कर सुलभा माता से क्या हो गया कि छिलके छिलके भगवान को पकड़ाने लगी और केले फेंकने लगी। भगवान ने देखा कि प्रेम में इतनी पागल हो गई है सुलभा माता, वात्सल्य भी है उसका और आतिथ्य सत्कार में इतनी मशगूल हो गई है कि उसको होश नहीं हो रहा है कि केले में भगवान को देना चाहिए, मैं केले फेंक रही हूँ और ये छिलके दे रही हूँ, और भगवान छिलके चुपचाप खाते रहे, ये है प्रेम। वहां गलती का एहसास नहीं कराते हैं, जो कुछ भी उसका स्वीकार कर लेते हैं। एक वाक्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण निकल गया मेरे मुंह से, आप याद रख ले। फिर सुलभा माता को याद आया, अरे भगवान माफ करना, मैं तो आपको छिलके देने लगी, मैं तो होश में नहीं हूं, लेकिन आपको तो कहना चाहिए ना कि ये छिलके। कृष्ण बोले मुझे केले का ही स्वाद आ रहा था माँ, आपका भाव बहुत बड़ा है। फिर सुलभा माता ने भाजी बनाई, रोटी बनाई, भगवान श्री कृष्ण भाजी और रोटी खाते हैं और तारीफ करते जाते कि ऐसा प्यारा भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया। अरे वाह, देखो 56 भोग लगाने वाले ध्यान से सुन लो,
इतना अच्छा भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया। जैसे शबरी के बोर खाए थे तब भगवान राम ने कहा कि ही शबरी जी जब छोटा था तब माता कौशल्या की गोदी में बैठकर खाता था, तब पेट भर के खाया था, बाद में मुझे समय ही नहीं मिला था और ऐसा खाना ही नहीं मिला था, लेकिन आज हे माता शबरी आपके बेर से मेरा पेट भर गया, आज अघायो शब्द प्रयोग किया है। तो कृष्ण कहते इतना प्यारा भोजन तो कभी मैंने खाया ही नहीं, इतना बड़ा एप्रिसिएशन क्या हो सकता है भक्त के लिए, क्या हो सकता है, कितनी खुशी मिली होगी माता सुलभा को, भक्त विदुर को, सोचिए। मैंने एक दोहा लिखा है, तीन रूप है प्रेम के, प्रेम के तीन स्वरूप है, काम प्रेम और भक्ति, काम प्रेम और भक्ति। भक्ति सूत्र में नारद जी कहते ने सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, भक्ति कैसी है, सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, उसके प्रति परम प्रेम। फिर वो कौन है कोई जिक्र नहीं है, ये तो खूबी है हमारे शास्त्रों की, राम के प्रति या कृष्ण के प्रति या जीसस के प्रति या बुद्ध के प्रति, ऐसा नहीं बंधन में नहीं बंध सकता प्रेम कभी, मुक्त। सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, उसके प्रति परम प्रेम, ये है भक्ति। मैंने लिखा है तीन रूप है प्रेम के, काम प्रेम और भक्ति, प्रेम के तीन रूप होते हैं। कच्चा स्वरूप है काम, थोड़ा और मैच्योर रूप है प्रेम, और परिपक्व स्वरूप है भक्ति। हरेश्वरी तन मन आत्मा कहे सब स्थान निज मति, काम शरीर में बसता है और शरीर को मांगता है, प्रेम मन में बसता है और मन को मांगता है, और आत्मा आत्मा को या आत्मा परमात्मा को प्रेम करता है, वो तीसरा स्वरूप है। काम प्रेम और परम प्रेम यानी भक्ति। आगे बढ़ रहे हैं, शुद्ध प्रेम है भक्ति स्वरूपा, शुद्ध प्रेम है भक्ति स्वरूपा, जाने ईश्वर सर्वात्म रूपा, जानो ईश्वर सर्वात्म रूपा, शुद्ध प्रेम है भक्ति स्वरूपा। परिशुद्ध प्रेम तो भक्ति में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ केवल समर्पण है, केवल तू ही तू है, मैं जहाँ मर जाता है, ये शुद्ध स्वरूप है। ईश्वर तो सर्वात्म रूप है दोस्तों, तू ही तू हर जगह में तू। वो लैला का मजनू पर, मजनू का लैला पर जो प्रेम था, एक बार मजनू को किसी ने कहा कि मजनू लोग पत्थर से तुझे मारते हैं, तू आधा पागल सा हो गया है, लैला लैला रटता रहता है, एक साधारण लड़की है, सांवली सी है, उसमें ऐसा क्या है, हम अच्छी लड़कियां तुझे दिखाएंगे, उसमें ऐसा क्या रखा है। तब मजनू ने जवाब दिया कि लैला को देखना है तो मजनू की आंखों से देखो। क्या कहा कि लैला को देखना है तो मजनू की आंखों से देखो। तो ये समर्पण है, पूर्ण समर्पण, शुद्ध प्रेम है भक्ति स्वरूपा। प्रसंग आगे बढ़ता है, भक्त विदुर, ये युद्ध के पहले की बात है, फ्लैशबैक में जाती है पूरी कथा। भक्त विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश देते हैं, भक्त विदुर ने अति समझावा, बहुत समझाया धृतराष्ट्र को कि पुत्र मोह में अंध मत बनो, दुर्योधन को समझाओ पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है, कम से कम कुछ नहीं तो उसे 5 गांव दे दो। लेकिन जब दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक खड़ी रहे इतना भी नहीं दूंगा, तब धर्म युद्ध अनिवार्य हो गया। और भी कई कारण है युद्ध के, छोड़ो मुझे महाभारत नहीं करनी, मुझे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा करनी है।
आगे बढ़ रहे हैं। भक्त विदुर ने अति समझावा, भक्त विदुर ने अतिशय समझाया धृतराष्ट्र को, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। मूढ़ मंद मति मोहा सकता, मूढ़ था धृतराष्ट्र, मंद मति था और मोहा सक्त था। सत्ता का मोह था और पुत्र के प्रति भी मोह था। तो मूढ़ मंदमति मोहा सकता किया अपमान परम जी भक्ता। परम भक्त विदुर विनम्र वाणी से धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, क्योंकि धृतराष्ट्र के साथ राज्य बच जाए, उसके 100 पुत्र बच जाए, परंतु नहीं माना, नहीं माना, अपमान कर दिया। किया अपमान परम जे भक्ता, भक्त हृदय नहीं युद्ध से राजी। भक्त हृदय विदुर युद्ध में राजी नहीं थे। कैसे रहूं चहूं, कैसे रहे चहूं, और थे पाजी, चार और थे पाजी, लोगों से गिर गए थे। शकुनी है कहां, दुशासन है कहीं, दुर्योधन है कहीं, धृतराष्ट्र है, ऐसे लोगों के बीच में नहीं रह सकता। नहीं चाहिए मुझे ऐसा मंत्री पद, नहीं चाहिए ऐसा मंत्री पद, इत्तीफा दे दिया। विदुर हस्तिनापुर को छोड़ा, हस्तिनापुर छोड़ दिया, तीर्थ क्षेत्र में मन को मोड़ा, और तीर्थ क्षेत्रों में कुदरत के सानिध्य में मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करने लगा। नदियां, जंगल, वृक्ष, कहीं पर्णकुटिया, कहीं साधु संतों का सानिध्य, ऐसे समय बीतने लगा। जब विदुर रास्ते में आगे बढ़ रहे थे, उसी समय एक घटना घटी। ज्ञानी भक्त उद्धव मिले पथ में। ज्ञानी भक्त उद्धव भक्त तो है, परंतु ज्ञानी भक्त, भगवान कृष्ण ने उसे परम ज्ञान दिया था, ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी थे पहले तो, उसे भक्त तो गोपियों ने बनाया। ये प्रसंग बहुत सुंदर है। दशम स्कंद जब आएगा तब मैं ये सब बताऊंगी, अभी तो विषय की ओर जा रहे हैं। विदुर हस्तिनापुर को छोड़ा, तीर्थ में निकल गए, ज्ञानी भक्त उद्धव मिले पथ में। परम ज्ञानी और भक्त हृदय उद्धव मार्ग में मिलते हैं। विदुर हृदय भा शोक विशेष, उद्धव की हालात देखकर विदुर दुखी हो गए। उद्धव जी आप निस्तेज है, बेचैन है, परेशान दिखते हैं, क्या हो गया? कारण बरना नेत्र अश्रुपूर। उद्धव कारण बताने लगे और आंखों में अश्रु की बाढ़ आने लगे। अति उदास उद्धव को देखी, अति उदास जब देखा, नेत्र में अश्रु का पूर आया, बाढ़ आई जैसे, ऐसा देखा, पाया दारुण दुख था विदुर। विदुर अत्यंत दुखी होते हैं और पूछते हैं कि कारण क्या है, बताइए। संक्षेप में उद्धव बताते हैं कि क्या हुआ यदुवंश के साथ, और कृष्ण ने कैसे शरीर छोड़ा और स्वधाम चले गए। वासुदेव भय वैकुंठवासी, वासुदेव वैकुंठवासी बन गए। दासी उद्धव अति उदासी, इससे उद्धव अत्यंत उदास हो गया। दोनों दुखी, दोनों गले लगकर रोते हैं भगवान के विरह में। कहे विदुर सत्संग कछु करूं, विदुर जी कहते हैं कि दुख में से मुक्त होने का मार्ग तो सत्संग ही है। हे उद्धव जी कछु सत्संग करो, आप तो परम ज्ञानी है। तो कहे उद्धव, कहे विदुर सत्संग कछु करूं। उद्धव कहे क्षमा मोहि दयो। उद्धव ने कहा मुझे विदुर जी आप क्षमा कर देना, आज मेरा हृदय दग्ध है, मेरी स्थिति बहुत विचलित है, मेरे हृदय में बहुत दुख है, कृष्ण की वेदना और उसकी याद, विरह की वेदना और कृष्ण की याद एक क्षण भी मैं भुला नहीं सकता हूँ। शोक मग्न मम हृदय विकला,
मैं शोक मग्न हूँ, मेरा हृदय व्याकुल है, कृष्ण बिना है चित्त आकुला और मेरा चित्त आकुल व्याकुल है कृष्ण के बिना। क्षमा करना, अभी मेरी कोई क्षमता नहीं है, कोई मानसिक तैयारी नहीं है मेरी अभी कि मैं सत्संग करा पाऊँ आपको, क्योंकि वक्ता जो स्वस्थ होता है तब श्रोता को प्रसन्नता प्राप्त होती है उसकी कथा सुनकर। वक्ता खुद विचलित होता है तो श्रोता को आनंद नहीं आता। हे विदुर जी, मैं आपको एक विनती करता हूँ, मुनि मैत्रेय के आश्रम जाओ, आपके मार्ग में मैत्रेय ऋषि का आश्रम आएगा। वे परम ज्ञानी है, सरल मूर्ति है, बड़े दर्शनीय है, ज्ञान लाभ भली भांत ही ले हो, और मैत्रेय के आश्रम में जाकर भली भांति आप ज्ञान का लाभ लो। दो भक्त भेंटे भली भांति, मानो संध्या एक दिन राती। विदुर और उद्धव ऐसे गले मिलते हैं कि संध्या के समय जैसे दिन और रात दोनों एक हो जाते हैं। उपमा बहुत प्यारी दी है विदुर व्यास ने। लिन्नी विदा उद्धव से जाए, उद्धव से विदा लेकर विदुर जी आगे बढ़े, ऋषि मैत्रेय के आश्रम आए। मैत्रेय ऋषि के आश्रम आते हरिद्वार तट पावन गंगा, हरिद्वार तट पावन गंगा, जहाँ सदा ऋषि मुनि सत्संगा, जहाँ सदा ऋषि मुनि सत्संगा, हरिद्वार तट पावन गंगा। पावन गंगा के तट पर हरिद्वार बसाए, जहाँ ऋषि मुनि सदा सत्संग में लीन रहते हैं, वहाँ मैत्रेय ऋषि का भी आश्रम है। विदुर पहुँचते हैं, वंदन करे आसन निज लीना, प्रणाम करते हैं, वंदन करके अपना आसन ग्रहण किया। विनीत भाव से प्रश्न कचुकिन्ना, और विनीत भाव से अत्यंत नम्रता से कुछ प्रश्न किए। कौन कौन से प्रश्न करते हैं विदुर जी, सुनिए। पावन परम ऋषि मैत्रेया पूछे विदुर परम श्रद्धेया, अत्यंत श्रद्धा से प्रश्न करते हैं। नाथ करत सब सुख हित साधन, बड़ा प्यारा प्रश्न है। ही नाथ, लोग जो कुछ भी करते हैं, प्रयास करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको, नाथ करत सब सुख हित साधन, हम आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आयास प्रयास पुरुषार्थ, किस लिए करते, सुख के लिए करते। नाथ करत सब सुख हित साधन, बरु सुख नहीं सब दुख आराधन। सुख के लिए प्रत्येक मनुष्य कर्म करता है, परंतु बाद में पता चलता है कि ये तो दुख की आराधना हो गई, सुख तो मिला ही नहीं, जिसके लिए मैं भटकता था वो तो प्राप्त ही नहीं हुआ। आत्मसुख की बात मैं कर रही हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ। कहूँ नाथ आराधन रीति, जासे करे प्रभु हम पर प्रीति। हे नाथ, प्रभु की आराधना की रीत हमें बताए, जासे परमात्मा की प्रीति हमारे ऊपर बढ़े। पुनि कहूँ नाथ विविध अवतारा, ये प्रभु बाद में परमात्मा के जो विविध अवतार हुए उन अवतारों की कथा सुनाइए। निर्गुण ने बहु रूप क्यों धारा, निर्गुण ने सगुण रूप और वह भी अनेक रूप अवतार, अनेक बार परमात्मा विविध रूप धारण करके क्यों धरती पर आए। नाथ आप हैं परम कृपालु, हे नाथ आप परम कृपालु हैं, संत हृदय तो सदा दयालु, और संत का हृदय तो हमेशा दयापूर्ण होता है, करुणापूर्ण होता है, कंपेशनेट है आप, तो आप कृपा करो और मेरे प्रश्नों का जवाब दो। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सराबोर भक्ति रस प्रेमा, सराबोर भक्ति रस प्रेमा, बोले ऋषि ध्यान नित नेमा, बोले ऋषि ध्यान नित नेमा, सराबोर भक्ति
भक्ति रस प्रेमा, भक्ति रस से जो ऋषि सरा बोर है। बोले ऋषि ध्यान नित नैमा, ध्यान में बैठना जिसका नित्य नियम था, ऐसे मैत्रेय ऋषि बोलते हैं। धन्य विदुर तुम साधु स्वभावा, धन्य विदुर तुम साधु स्वभावा। धन्य है विदुर जी, आप तो साधु स्वभाव है, परम सज्जन है, सरल स्वभाव है। व्यास के औरस सुत यहाँ आया, आप व्यास के औरस पुत्र हो, तो भगवान व्यास के पुत्र मेरे यहाँ आए तो मेरा तो आज भाग खुल गया, मैं धन्यभागी हो गया। इतना ही नहीं विदुर जी, आप तो यमराजा का परम अवतार भी हो, इसलिए भी मैं प्रसन्न हो गया हूँ। इससे आगे हरि परम हरिदासा, भगवान के परम भक्त भी हो, तुम्हारे हृदय है कृष्ण निवासा, आपके हृदय में कृष्ण का वास है, तो मैं तो आपके जितने भी प्रश्न है वो प्रश्न नहीं मानूंगा। भक्त के हृदय में कृष्ण बैठा है, आपके हृदय में कृष्ण का वास है, तो मैं तो ये समझूंगा कि स्वयं कृष्ण आदेश है देना, स्वयं कृष्ण मुझे आदेश दे रहे हैं कि मेरे साथ सत्संग कीजिए। वाह क्या बात है, दृष्टि परस्पर की दृष्टि, साधु साधु को पहचान लेता है, शैतान शैतान को पहचान लेता है, काफिर को काफिर लगती है दुनिया और सज्जन को सज्जन लगती है। स्वयं कृष्ण आदेश ही देना, और ये भी एक अर्थ है कि स्वयं कृष्ण ने मुझे आदेश दिया है कि एक समय यहाँ विदुर आएंगे तो विदुर जी से आप सत्संग करना। आगे बढ़ते हैं, अस कई सत्संग प्रारंभ किन्ना, ऐसा कह के सत्संग का प्रारंभ किया। हीरा हे विदुर जी, माया बल सब कर्म को करें, मनुष्य जो कुछ भी कर्म करते हैं सब माया के प्रभाव से करते, माया के बल से करते, माया से आकर्षित होकर करते हैं, पर माया वश नित दुख को ले, और माया के कारण ही माया के वश होकर नए नए दुखों को सहन करता जाता है। परंतु सावधान, सुख प्राप्त करने का मतलब आत्म सुख और आत्म शांति प्राप्त करने का रास्ता क्या है? साक्षी भाव से कर्म जो करें, जो साक्षी भाव से कर्म करे, साक्षी का अर्थ क्या है? मैं न करने वाला हूँ न भुगतने वाला हूँ। एक भजन में मिले कुछ हमारे भजन में गुजराती छे, कार्य नो करता नथी फल नो नथी हूँ भोगता, कार्य नो करता नथी फल नो नथी हूँ भोगता, हथियार हरना हाथ नो हथियार हरिना हाथ नो छो बाबेवा जगाड़वा पूर्णताने पामवा। पूर्णताने पामवा, पूर्णता के लिए क्या करना है? कार्य नो साक्षी भाव, साक्षी भाव का अर्थ क्या है? कार्य नो करता नथी फल नो नथी हूँ भोगता, मैं कार्य का करने वाला नहीं हूँ न मैं फल का भुगतने वाला, तो मैं हूं कौन? हथियार हरि के हाथ का, मैं तो हरि के हाथ का हथियार हूं, मैं तो समर्पित हो गया, उसको जैसे मेरा इस्तेमाल करना है वैसे कर ले, इतनी बड़ी दुनिया है, जहां मुझे सजाना चाहे वहां सजा ले मेरे द्वारा, जो मेरा उपयोग करना है भगवान कर ले, लेकिन मैं करने वाला नहीं हूं नहीं मैं भोगने वाला हूं। इसे कहते साक्षी भाव, और ऐसा भाव जब आता है ना तब चाहने पर भी आपसे दुष्कर्म नहीं होगा। पहले एक बार साक्षी भाव में प्रवेश तो करो, तब पता चलता चल जाएगा आपको कि धीरे धीरे पावनता हार्दिक पावनता बढ़ रही है। सुख दुख जग में कर्म का फल है, कर्म के अनुसार ही महाराज सुख दुख के फल को मनुष्य भुगतता है। लेकिन दो सापेक्ष क्षणिक ब्रह्म बल है, दोनों सापेक्ष है, क्षणिक है, भ्रमयुक्त है, सुख भी सापेक्ष दुख भी सापेक्ष। आप कहेंगे माँ जी सुख दुख दोनों सापेक्ष,
ये समझ में नहीं आया, बहुत आसान करके समझाती हूँ कि जवानी में आप 5 किलो केसर कैरी खा जाओ तो हजम हो जाती है, सुख का कारण थी। लेकिन तब आप 25 साल के थे, जब 60 साल के होते तब 5 आम खाने होते हैं ना, केवल 5 तो भी नहीं खा सकते, डॉक्टर को पूछने पड़ते हैं। आम बहुत प्रिय है, 2 आम खाए तो भी 100 फटाक से शुगर ऊपर उठ गया। एक समय जो चीज सुख देने वाली थी वही चीज दूसरे समय में दुखदायक बन गई। एक स्त्री एक समय में सुख देती थी वही स्त्री दूसरे समय में दुखदायक बन गई। व्यक्ति वस्तु और परिस्थिति के संदर्भ में साक्षी रहना चाहिए। साक्षी कर्म जो करता है वो बंधन से मुक्त रहता है। तो सावधान दोस्तों, मैंने जितना समझाना था उतना मेरी ओर से समझा दिया। अब आपको प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि ये भी अनुभव गम्य है, सब अनुभव से ही समझ में बातें कुछ आती हैं। आगे बढ़ते हैं, सुनो संक्षेप सब सृष्टि रचना। आप कहते हैं कि सृष्टि की रचना भी बताइए और भगवान के विविध अवतार की कथा भी सुनाइए। तो सुनो संक्षेप सब सृष्टि रचना, पावन तोर श्रवण मम रसना। आपके श्रवण और हृदय परम पावन होते हैं और भगवान की कथा सुनाते 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 मेरी रसना यानी जीवा मेरी वाणी भी पवित्र होती है, तो मुझे आनंद आएगा आपको परमात्मा की कथा सुनाने में। प्रथम विराट पुरुष जो प्रगटे, कल बता दिया था मैंने, विराट पुरुष प्रकट हुआ सबसे पहले। उस विराट पुरुष की नाभि में से ब्रह्मा प्रगटे, ब्रह्मा मुख से द्विज। हमारे पुराण ऐसा कहते हैं, इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से मैं कह रही हूँ, ब्रह्मा मुख से द्विज, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मन से मनो मनुष्य की, मन से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। वक्ष से ब्रह्मा की छाती से वणिक की उत्पत्ति हुई। बाहु से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। शूद्र की जांघ से उत्पत्ति हुई। बाद में क्या हुआ ये कल बताऊंगी, आज विराम लेते हैं। माँ हरेश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः, धन्यवाद, नमस्कार।